प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शासकीय स्वशासी महाविद्यालय के गेट पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गौरव सिंह और अंजनी यादव ने राज्य सरकार पर छात्र राजनीति को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब राजस्थान व छत्तीसगढ़ की सरकारें प्रत्यक्ष चुनाव का ऐलान कर सकती है तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट पर ही मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसे वहां तैनात कोलगवा पुलिस के जवानों की ने काफी जद्दोजहद और खींचतान के बाद छुड़ा लिया। लगभग एक घंटे तक चला धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हो गया।